सो गाइज यार वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। और आज अपन लोग फिर से मतलब काफ़ी दिनों के बाद आ चुके हैं माइनक्राफ्ट से हट के गेम कार फॉर सेल में। और भाई साहब इनका कॉल बहुत बार आ चुका है कि इनका बिल भाई पे करना है, तो अपन लोग सोचते हैं क्योंकि $3 बिलियन अपने पास पड़ा हुआ है तो क्यों ना थोड़ा बिल पे कर दिया जाए। बाकी आज की वाली वीडियो में अपन लोग ट्राई करते हैं कोई बेस्ट सुपर कार निकालने की, अगर निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा, वरना अपनी नीली पोर्शे तो खड़ी है, सबसे ज़बरदस्त गाड़ियों में से एक है, और दो दो लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है, और इनको साफ करने के लिए एक आदमी भी रखा हुआ, इससे दमदार बात और क्या हो सकती है। बाकी चलो फिलहाल को अपन लोग चलते हैं और देखते हैं कि अब तक ड्रैग रेस में कोई अच्छी सी कार आई हुई हो तो अपन लोग एक और पोर्शा घर पे ले आएंगे और उसको बेच डालेंगे भाई साहब। और मेरी बात हो चुकी है इस गेम के भाई साहब जो डेवलपर हैं, वो कह रहे हैं कि ऑफिस मोड जल्दी 2 से 5 दिन के अंदर आने वाला है, फिर उसके लिए अपने को पैसा भी इकट्ठा करना है क्योंकि ऑफिस बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लगने वाला है, लेकिन ड्रैग रेस वाला तो खाली पड़ा हुआ है। तो चलो अपन लोग नेक्स्ट डे आके मिलते हैं आप लोगों से सीधा, चलो पहले सो के आएंगे या फिर जैसा भी रहेगा। तो भाई अपन लोग आ चुके नेक्स्ट डे में, और ये वाली गाड़ी जो अपन लोग आ गए थे, बताओ किस किस ने वो वीडियो देखे कमेंट सेक्शन में, और आज होगा अपना बदला पूरे $26,700 का। अगर सोच रहे हो पोर्श से इसको हरा दिया तो मतलब अपनी किस्मत ही ख़राब थी, किस्मत तो भाई ऑलरेडी ख़राब थी, वो गाड़ी चली ही नहीं आगे, अपन हारे भी नहीं, लेकिन चलो इसको हरा के थोड़े दिल को शांति देने वाली बात हो जाएगी। और अभी कमेंट में गेस कर दो कि मैं जीतने वाला हूँ या फिर नहीं। बाकी जो न्यू अपडेट आया पीसी में उसमें तो भाई साहब ये GTR को पछाड़ रही है, सुनने में तो कुछ ऐसा ही। बाकी रेस स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी से अपन लोग चलते हैं, और 3-2 चलो भाई चल। और देखो भाई चल, अपन लोग काफ़ी ज़्यादा लीड ले चुके हैं और अब ये गाड़ी बिल्कुल पास नहीं आ सकती, और थर्ड गियर से गुड शिफ्ट चल रही है अभी तक, और अपनी मैक्सिमम स्पीड 173 रह गई, मतलब ये वाली रेस आसानी से जीत चुके हैं 10.3 में और 11.9 में, मतलब बेहतरीन अंतर से तुम्हारे भाई ने रेस जीत लिया है। और अभी देखते हैं कोई दमदार गाड़ी जो अपनी को रास के वो आई है या फिर कुछ ऐसे ही चल रहा है। और अभी भाई साहब ये डब्बे आए हुए हैं, ये बिस्कुट हराएंगे क्या, ये वाले बिस्कुट तो मैं पैदल जाऊं तो इनको हरा दूं। बाकी फिलहाल को अपन लोग चलते हैं और कुछ देखते हैं भाई साहब, एक आधी गाड़ियाँ नेवर रोड से खरीदेंगे, कुछ पैसे वगैरह बनाएंगे या फिर देखते हैं कुछ ऑक्शन वगैरह भी अटेंड करने अपने को। बाकी ड्रैग रेस में अपन लोग फिर से आ चुके थे, और ये देखो भाई साहब एक जगह फरारी खड़ी है, एक जगह माजडा खड़ी है। माजडा कार वर्सेस कार हो सकता है, लेकिन लैम्बोर्गिनी से, और आज तक ऐसा कोई खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ जो लैम्बोर्गिनी से इसको हरा दे। मैं भाई साहब टोटल 2 लैम्बोर्गिनी हार चुका हूँ, तो इससे अपन लोग पोर्शे से रेस लगाने वाले हैं, ऐसे ही देखते हैं क्या पता इसको हरा ही दे, और हरा दे तो लाइक कर देना, ना हराएं तो सब्सक्राइब कर देना भाई, कुछ ना कुछ जरूर करके जाना। बाकी देखते हैं भाई, जीतने के चांस मतलब बहुत ज़्यादा कम है, ये समझ लो कि जीतने के चांस है ही नहीं, ये रेस अपन लोग हारने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन जो हारने वाली बाजी खेलते हैं भाई साहब अक्सर वो बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। बाकी 3-2-1 चल भाई जल्दी चल, और एक सेकंड अबे भाई साहब जल्दी लीड ले ली भाई साहब तुम्हारे भाई ने, अरे माजडा की ऐसी की तैसी, अरे रुक जा जल्दी चल भाई जल्दी चल, अरे भाई साहब ये बेस्ट शिफ्ट होना था, अरे यार ये तो ऐसी की तैसी होगी, लास्ट में जाते जाते हार गए, कोई बात नहीं। बाकी $5,000 में अपना क्या ही होने वाला है, $3 मिलियन अपने पास पड़े हुए हैं, तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा ऑक्शन अटेंड कर रहा हूँ लेकिन ऑक्शन में एक भी ढंग की गाड़ी नहीं आ रही है, तो अपन लोग क्या ही कर सकते हैं। और ये ODQ7 वगैरह ड्रैग रेस में आ रही है, समझ रहे हो किस्मत के सितारे कितने गर्दिश में चल रहे हैं, तो अपन लोग सोच रहे हैं देखें भाई आज किस वाली वीडियो में करते क्या। चलो फिलहाल ऑक्शन वगैरह में चलते हैं, तो भाई इतने ऑक्शन अटेंड कर लिए मतलब क्या ही बताओ, अपन लोगों ने सुप्रा ऑलरेडी खरीद लिया है, और अभी अपन लोग देखते हैं कुछ और अच्छी सी गाड़ी है उसको भी खरीद लेंगे, और फरारी भी अपन लोग खरीदने की सोच रहे हैं, तो बताओ क्या अपने को फरारी खरीद लेनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसके बाद कौन ही अपील करेगा, नहीं भाई तुम्हारे भाई ने फरारी भी खरीद ली है, समझ रहे हो। और ये चार्जर आ गया, अबे इसको कौन खरीदेगा, ये तो बैटरी चार्ज भी नहीं कर सकती भाई, इसके अंदर जो बैटरी होती है पता नहीं कैसी कैसी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, कुछ अच्छी सी गाड़ी लाओ यार। और बाकी मैंने 100 ऑक्शन अटेंड कर लिए भाई साहब, एक भी GTR नहीं निकली, समझ रहे हो, मतलब 100 ऑक्शन में उसकी पॉसिबिलिटी होती है 4.5 के अराउंड मेरे ख्याल से, लेकिन अपने को एक बार भी नहीं मिली, पता नहीं क्या ही चाहता है ये गेम वाला अपने को। लेकिन अगर ऑफिस एडिट वाला मोड आ जाए तो ज़बरदस्त गाड़ी अपन लोग खरीदेंगे और ऑफिस भी अच्छा बनाएंगे, लेकिन ये फिर से एक और बिस्कुट आ गया, तो अपन लोग यहाँ से चलते हैं और देखते हैं और क्या ड्रैग रेस वगैरह करेंगे या फिर नेबर रूट जाएंगे और क्या ही कर सकते, तो चलो थोड़े बहुत गाड़ियों वगैरह को अपग्रेडेशन के बाद मिलेंगे। तो बाकी ये वाली गाड़ी तुम्हारे भाई ने देखो यार ये वाला कलर करा लिया, इसके अंदर थोड़े बहुत सस्पेंशन वगैरह भी ठीक ठाक करवा लिए हैं, और 5-5 गाड़ी तुम्हारे भाई के पास है, बताओ कैसा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ पैसा बहुत है, गाड़ियाँ बहुत है,
तो ऑफिस को भी और बड़ा कर लिया जाए, क्योंकि जब ऑफिस एडिट मोड आएगा ना तब क्या ही ऑफिस बनने वाला है, और वो जल्दी आने वाला है। और नेक्स्ट वाली वीडियो अपने ऑफिस एडिट मोड की होने वाली है। तो जो भी चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना भाई, ताकि वीडियो आती है आपको पता चल जाए। बाकी चलो भाई जल्दी से ऑफिस अपन लोग अपग्रेड कर लेते हैं 750। अरे भाई साहब अपने पास सीधे 2 मिलियन डॉलर, लेकिन 2 मिलियन डॉलर भी काफ़ी बड़ी रकम होती है, और समझो अराउंड अराउंड भाई 2 मिलियन की गाड़ियाँ अपने पास और खड़ी होंगी मेरे ख्याल से, लगभग थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन अराउंड 4 मिलियन डॉलर का पैसा अपने पास है, तो काफ़ी ज़बरदस्त बात लग रही है। और एक सेकंड भाई साहब ये बिल फिर से कैसे आ रहे हैं, देखना पड़ेगा भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया। अरे चलो इतने पैसे आए, चलो ये तो पे कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी वीडियो के शुरू में तो भाई साहब अराउंड 60,000 डॉलर पे किए थे अपन लोगों ने, क्या ही सस्ते से चल रहे हैं गेम के। बाकी इन गाड़ियों को एक अरेंजमेंट में लगाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, तो चलो भाई। तो बाकी ये देखो भाई साहब क्या ही गाड़ियाँ लग रही हैं, क्या ही ऑफिस लग रहा है। बाकी आज की वाली वीडियो में अपन सोच तो रहे थे कोई सुपर कार निकालेंगे, लेकिन किस्मत इतनी ख़राब चल रही थी कि इतने ऑक्शन अटेंड करने के बावजूद कोई भी ढंग की गाड़ी मिली नहीं, और ऑफिस एडिट मोड भी अभी तक नहीं आया, वो जल्दी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये वाला आदमी उदास क्यों, चलो भाई इससे पूछते हैं। एक सेकंड बाद, अबे उदास क्यों, तुझे घर जाना है क्या भाई, अबे जल्दी बोलना। अरे कुछ बोलता ही नहीं है, चलो ठीक है मत बोल। तो चलो भाई आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही।